आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सुची, अभी इस वक्त ये सब बात करने का टाइम नहीं है, अनंदिता को बचाना है। पल्स बहुत स्लो चल रही है, इन्हें कुछ देर और ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। इन्होंने गैस बहुत इनहेल कर ली है। आई होप कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। नर्स, ये सारे चेकअप्स है, प्लीज देखिए टाइम पे हो जाए। हम अपने बहुत ही लगाते, कहां कहां नहीं ढूंढा हमने आपको, कैसे कैसे नहीं ढूंढा। आप क्यों दूर भाग रही थी हमसे, अपने पियू से? मैम आप जानती हैं, आपके पियू को हमने जन्म तो नहीं दिया, लेकिन अब वो हमारे इतने करीब आ चुकी है कि मैं बस अब इंतजार की घड़ियां खत्म, आपको कुछ भी नहीं होगा, मैं कुछ भी नहीं होगा, आपको ठीक होना है अपनी पीहू के लिए, अपनी खुशियों के लिए। मैम मैम प्लीज होश में आ जाइए, मैम मैम आपकी पी हूँ आपको। आपकी पी हूँ आपको बहुत मिस करती, बहुत मिस करती है मैम, बहुत मिस करती है आपकी पी हूँ आपको। मैम बेहोश कैसे हो गई थी, क्या कर रहे थे आप वहां पे? हमें आनंदिता ने वहां पे बुलाया था। क्यों? क्यों मारा तुमने हमारी पीहू को? क्या बात हो गई थी, तुम्हारे पास जान लेने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। तुम हमारा पीछा कर रही थी। नहीं, हम आपका पीछा नहीं कर, ऑफिस में आपको परेशान देखा इसलिए आपके पीछे पीछे निकल ली। सुची, इस वक्त हमें नहीं पता कि हम तुमसे क्या बोले। आरव सर हमें बताइए, ऐसी क्या बात है, आप हर बात का अधूरा जवाब क्यों देते हैं हमें? आनंदिता मैम ने आपको मिलने के लिए बुलाया, ये बात तो पहले आपने हमसे छुपाई, और क्या बात करना चाहती थी वो आपसे, और ऐसी कौन सी बात थी जो शहर के बाहर जाके आपको मिलना पड़ा उनसे, बोलिए। सुची, तुम्हारे सवाल का जवाब सिर्फ आनंदिता दे सकती थी। हम सिर्फ इतना बता सकते हैं, उन्होंने हमें मिलने के लिए बुलाया, हम आ गए। सुची, प्यार करती हो ना तुम हमसे, तो हम पे भरोसा रखो, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा।
पीयू उठो पीयू, देखो फोन बज रहा है, उठो पीयू। भूतू प्लीज फोन उठा लो, प्लीज पीयू फोन उठाओ, उठो पीयू उठो, समय किसी का इंतजार नहीं करता पीयू, उठो फोन उठाओ। प्लीज भूतू फोन उठाओ, उठो पीयू उठो। मम्मा मम्मा के साथ रहने दो ना। प्लीज आनंदिता मैम के साथ ही रहना, ना खुद कहीं जाना ना उन्हें कहीं जाने देना, प्लीज हम बस यूं गए और यूं आए, प्लीज उनके साथ ही रहना, ओके? थैंक यू सो मच। जिसने तुम्हारा ये हाल किया हम उसे नहीं छोड़ेंगे। आनंदिता ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? क्यों किया तुमने उसके साथ ऐसा? अगर मर्द हो तो हमसे लड़ो, हमारी बीवी की जान क्यों लेना चाहते हो? अगर हम आनंदिता की जान लेना चाहते ना तो हम उसको हॉस्पिटल नहीं लेके आते, और उसकी आज जो भी हालत है उसके जिम्मेदार तुम। बहुत बड़े मर्द बनते हो ना तो उसको सच क्यों नहीं बता देते? सच आरव रंधावा, ये मत भूलो कि उस सच के साथ तुम भी जुड़े हो। कितना और कैसे ये हमें तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हैं यार? प्लीज गो आउट। जो राज मेरे और आरव के बीच में है वो पीहो के मर्डर से रिलेटेड है, उसे मैं बाहर नहीं आने दे सकता, वरना सब तहस नहस हो जाएगा। चाची, मम्मा मिल गए बुड़बुड़ी, मम्मा के पास चलो ना, मैं अभी मम्मा के पास चलना है, चलो ना बुड़बुड़ी, चलो सूची की तस्वीरों पर निकाल रहा है। हमने आपसे कहा था ना मां, हमारा अतीत हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। आज आनंदिता ने हम पे जानलेवा हमला किया और फिर से वही सवाल पूछा माँ। हम डर गए थे माँ, इसलिए हमने बोल दिया कि हमने पीहू को मारा है। होश में आती सबको बता देगी मां, सब बर्बाद हो गया बाप, सब बर्बाद हो गया।
जिस अतीत को बुला के मैं सुच्ची से प्यार कर रहा था, वही अतीत आज मेरे सामने आके खड़ा हो गया। कुछ बर्बाद नहीं हुआ है पुत्र, कुछ बर्बाद नहीं हुआ है। तेरी माँ अभी जिंदा है और मेरे होते हुए तुझे कुछ नहीं होगा, मैं सब कुछ संभालूंगी। तू डर मत, जब जब इस घर की शांति भंग हुई तब तब बबली रंधावा ने सब कुछ संभाला है। पहले भी संभाला था और अब भी संभालेगी। कुछ नहीं होगा पुत्र, तू देख लेना पुत्र, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा विश्वास रख, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। माँ, हम सुच्ची से बहुत प्यार करते, किसी भी कीमत पे उसको खोना नहीं चाहते। आनंदिता को सुच्ची से मिलने से रोकना होगा, इसी में हम सबकी भलाई है। पेशेंट को डिस्चार्ज करना पड़ा, वो लोग रुकने के लिए रेडी नहीं थे, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, अभी अभी निकले हैं। बाबा, आनंदिता मैम आपके पास है। वो हॉस्पिटल में नहीं है। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा आरव सर, क्यों कर रहे हैं? हम आपसे कह कर गए थे ना, फिर भी आप जानबूझकर ऐसा क्यों कर रहे हैं? बस करो सुची, तुम हर बात पे हम पे शक करने लग गई हो। हमने क्या कहा था तुमसे कि हम तुमसे प्यार करते, अगर प्यार किए तो हम पे विश्वास कर। कैसे कर ले विश्वास आप पर? हाँ, कैसे कर ले विश्वास? एक जिम्मेदारी दी थी, उसकी भी कदर नहीं की आपने, और अब आप हमसे कह रहे हैं कि विश्वास कर लो? सुची, हमारी बात ध्यान से सुन। हम वहां थे, लेकिन आनंदिता का पति सुबोध वहां आया और उसने हमें वहां से जबरदस्ती जाने के लिए कहा। हो सकता है वो उन्हें वहां से ले गया। एक और झूठ बोल रहे हैं आप आरव सर। क्यों आपकी किसी भी बात पर हमें विश्वास नहीं होता? क्यों यकीन नहीं आता? क्यों हमें लगता रहता है कि आप हमसे झूठ बोल रहे हैं? क्यों ऐसा लगता है कि आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं? बोलिए। मतलब हम तुमसे कुछ छुपा रहे हैं? वो तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम आनंदिता मैम को ढूंढ कर ही रहेंगे। Thank you.
नहीं। हम कहाँ चली गई थी? कहीं भी छोड़ कर तुम्हें एक ही बात बोल बोल के तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हारी जान जाते जाते बची, कुछ हो जाता तुम्हें तो क्या करते हम? एक बार हमारी बात नहीं नहीं अब कुछ नहीं सुनेंगे। आज के बाद तुम्हारा खाना पीना देख रेख सब इसी कमरे में होगी। यही तुम्हारा घर है और यही दुनिया। तुम अब इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। क्यों नहीं निकल सकते? होते कौन है आप हमें रोकने वाले? पति हैं हम तुम्हारे। सुबोध, प्लीज दरवाजा खोल, प्लीज खोलो। आपको हमारी कसम, सुबोध दरवाजा खोलो, खोलो प्लीज। हमने तुम्हें बाहर छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। आज तुम आरव तक पहुंची हो, कल को वो सारी बातें जो हमने तुमसे छुपाई हैं तुम जान जाओगी। नहीं, अगर आरव को सजा हो गई तो हम भी फंस जाएंगे। आरव और हमारे बीच इतने तार जुड़े हैं कि अगर वो गिर गया तो हम भी खत्म हो जाएंगे। वो सारी बातें तुम्हारे सामने कभी नहीं आनी चाहिए। पता है बुड़बुड़ी, हमने रोज अपनी मम्मा का सपना देखते हैं। आज भी ना वो हमारे सपने में आई थी। हमने ना उन्हें बहुत जोर से हग किया, और उन्होंने भी। सुरेश भैया, ये इम्पोर्टेंट फाइल है हमारे पास, आरव सर ने खुद दी है कैबिन में रखने के लिए। तो आप कैबिन खुलवा देंगे प्लीज? कैबिन तो खुला हुआ है, आरव सर अंदर ही है। अच्छा, सर को पता चल गया कि इस केस की फाइल हमारे पास है और ये कि हमें पता चल चुका है कि पीहू मर्डर केस में वो प्राइम सस्पेक्ट है, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तुम क्या गड़बड़ कर रही हो? वो तो तुम हमारा एक काम करोगे? जब तक ये ओरिजिनल फाइल हमारे पास है तब तक इस केस को रीओपन करवाना बहुत ही मुश्किल है। ये फाइल किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। अरे ऐसे कैसे हम वर्किंग आवर्स के बाद काम कर लें? आपने अपना काम सही समय से क्यों नहीं किया? सच्ची? और इतनी लेट? अरे देखो ना, खामखा हमें ऑफिस आना पड़ा। आपको समझ नहीं आता? देखो दोबारा आने जाने में ना हमारे स्कूटर का तेल भी खत्म हो जाता है। हम कुछ भी, हम आपसे बाद में बात करते हैं। तुम इतनी रात को ऑफिस में क्या कर रही हो? मेहता एंड कंपनी के फाइल्स के अकाउंट्स में मिस्टेक आ गई थी,
बस उसी को रेक्टिफाई करने के लिए हम ऑफिस आए थे। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हमें ऑफिस में कुछ काम था। सोची, ऐसी कौन सी बात है जो तुम इतनी बेसब्री से आनंदिता से मिलना चाहती हो?